हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी जायका। तो आज हम लेके आए हैं अंजीर से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, अंजीर केक रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनने वाला है और बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा। उसमें डालेंगे हम लौंग, दालचीनी और सौंठ, जो कि मैंने हाफ हाफ टेबल स्पून लिया है। और यहाँ डालेंगे हाफ टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर और 1 पिंच लेंगे नमक। नमक से क्या है, मीठी जो भी डिश बनाते हैं उसमें जो टेस्ट होता है उसका इन्हेंस होता है, बढ़ता है इससे। और इधर ले रही हूँ मैं ग्राइंडर मिक्सर में, मैंने घर का बना हुआ घी लिया है और हाफ कप ली मैंने चीनी, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और हाफ कप ले रही हूँ मैं ब्राउन शुगर, इनको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ अंडे, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 अंडे। तो पहले 1 अंडा डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, इसका मैं अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। और दूसरा अंडा भी डाल दिया, इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ ले रही हूँ मैं हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस। तो ये हम बन गया हमारा बैटर। तो हमें अंजीर डालने हैं इसके अंदर, तो अंजीर में इस तरह से काट के, और ग्रीन टी होती है ग्रीन टी के अंदर डाल देंगे इनको। 10 से 15 मिनट इसके अंदर सोक होने देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए इसके अंदर और इसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छे से आएगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा इसका। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम ग्रीन टी से इनको निकाल लेंगे सारे अंजीर और इनको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पीस करने हैं, क्योंकि जब हमारे केक के अंदर ये पीसेस हमारे मुंह के अंदर आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा इनका स्वाद। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट और जो हमने मिक्सचर बना के रखा था बैटर, उनको मिक्स करेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े और अच्छे से इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैं ये सारा जो बैटर है वो डालते जाएंगे। वो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे हाथों से, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि कोई भी लम्स नहीं रहे। और इधर लिए मैंने थोड़े से अखरोट, जिनको मैंने तोड़ लिया है, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फाइनली डाल देंगे हम अंजीर जो हमने काट करके रखे थे। ये हमारा केक का जो बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, इस तरह से ही चाहिए हमें। तो इधर मैं ये बाउल ले रही हूँ, आप केक टिन ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है और थोड़ा सा डाल देंगे हम मैदा, उसको डस्ट कर देंगे अच्छे से, जिससे कि अपना केक है वो चिपकेगा नहीं। और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने जो बैटर बनाया है। ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे, जिससे कि इसके बबल्स निकल जाएं। और इसको हम बेक करने वाले हैं बाटी ओवन में, जो गैस वाला आता है। तो इसको मैंने प्री हीट कर लिया है 5 मिनट के लिए और उससे 25 से 30 मिनट तक हम इस तरह से ही लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। देखिए अपना चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल सही निकला है। उसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद ही इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से मैं चाकू से कट करके साइड से बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे बाउल से, जिससे कि हमारा जो केक है वो टूटे ना, वो इसको पलट लेंगे। सो फ्रेंड्स, अपना अंजीर केक बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड रेसिपीज़ को शेयर करिए। थैंक यू।